फोर स्टार कैफे में फिर एक बार कसौटी लेकर आए हैं आपके लिए, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आज की कसौटी स्टार्ट करते हैं, तैयार हो जाएं ढेरों इंफॉर्मेशन के लिए। आपके अपने प्रोग्राम फोर स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी, मैं हूं मसूद अहमद, मैं हूं अब्दुल मनान, मैं हूं यूसुफ बुखारी। टीम ए में शामिल है मसूद और नवीद अंसारी, जबकि टीम बी में मनान और शाजी, शाजी का मतलब यूसुफ शाह। और फोर स्टार कैफे में आज हम पूछेंगे और वो बूझेंगे। तो आज हम आपको एक पर्सनैलिटी जनाब बताने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं आप लोग कैसे पूछते हैं। वही 20 सवाल, वही फॉर्मेट होगा जनाब जो कि चला आ रहा है अरसा दराज से। तो हमने अपनी पर्सनैलिटी यहाँ पे लॉक कर दी है, हाँ, और हमने बड़े ट्रिकी अंदाज में 5 पर्सनैलिटीज लिखी हैं। हम देखेंगे कौन सी मौके की मुनासिबत से हम उसे टिक करें। ये तो काम खराब। अच्छा चले, फिर ईमानदारी से मैंने ये बॉक्स बना दिया उसके गिर। ओके चले जी। ओके जिंदा जी, जिंदा जी। मर्द जी, जिंदा मर्द। पाकिस्तानी जी नहीं। इंडिया से ताल्लुक है इनका? इंडिया से ताल्लुक है जी। ताल्लुक आपने पूछा है? ताल्लुक एक शख्स जो जिंदा है, मर्द है, ताल्लुक है इंडिया से, ताल्लुक रखता है। मतलब इंडिया से इस तरह ताल्लुक है कि वो जिस जमीन पर रहते हैं वहां पर इंडिया भी मौजूद है। ओके, कश्मीर की पर्सनैलिटी ऐसी काम का। हम आपको डी ट्रैक नहीं करना चाहते जी, इंडिया से ताल्लुक है। इंडिया से ताल्लुक है। हम ऐसे काम का मैं आपको डी ट्रैक क्यों करें, शरारत कर रहा था। झगड़ा ये जुगाड़ू लगा रहे हैं कि हम पहुंच गए डायरेक्ट उनके इलाके में। टाइम लगेगा। अच्छा एक मिनट, टाइम लगेगा। इंडिया से ताल्लुक है, एक मिनट। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? सियासत और हुकूमत से ताल्लुक नहीं है जी। नहीं है। शोबिज से ताल्लुक है? शोबिज से ताल्लुक है जी, बिल्कुल। वजह शोहरत शोबिज है। शोबिज, शोबिज इंडियन। सवाल कितने हो गए सर? 6 हो गए, 7वां आप पूछेंगे। 6 हो। एक्टर हैं? एक्टर हैं जी, अदाकार। वजह शोहरत अदाकारी है जी जी। अबेज का पता करो। रुक 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 रुक, जिंदा मर्द, इंडियन शोबिज अदाकार जो कि जिंदा है। अब उसकी एज जो है ना, उससे 50 इयर्स की ब्रैकेट लगाते हैं। 50 से ऊपर वाले लग करते हैं, 50 से नीचे वाले 50 इयर्स प्लस है जी। 50 ईयर प्लस है जी। ओके, अब इसमें हमारे पास ना 50 प्लस में धर्मिंदर, धर्मिंदर, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, उसके अलावा मशहूर एक्टर में जो जहन में आता 50 है। से ऊपर अगर हम जाते हैं तो शाहरुख खान भी है। शाहरुख खान है। अच्छा, अनिल कपूर है। अनिल कपूर है। उसके बाद सलमान खान, सलमान 47 वैसे तो है। आमिर खान, आमिर खान है 50 प्लस में। ये तो हम देख सकते हैं ना एज। नहीं रुके रुके, गूगल की मदद ले आप पूरी। अब ब्रैकेट 60 प्लस की लगा 100% ले आप, जाना है ना जी। तब इनको निकालते हैं 50 से 60 के दरमियान का। नहीं नहीं, 50 हो गया, अब 60 प्लस है। अगर 60 प्लस नहीं होगा तो हमें 10 साल का मार्जिन मिलेगा। एज 60 प्लस है जी। 60 प्लस, 60 प्लस है। पूरी सारे गए आमिर शामिर ये वो। अब हमारे पास दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, 60 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। 60 प्लस में तो फिर अमिताभ है, धर्मेंद्रा, धर्मेंद्र, संजय दत्त, संजय दत्त 58 है, 58-59 है। संजय दत्त है, संजय दत्त को सर्च कर लें आप कि वो इसमें आते हैं कि नहीं आते हैं। सनी देओल की एज भी सर 66 इयर्स है ना। आप किसी का नाम ना लें क्योंकि इस तरह आप या तो डी ट्रैक करेंगे या कोई क्यू दे देंगे। हाँ, इसलिए नहीं, वो अभी तक इंडिया में घूम रहे, उन्हें घूमने दें। उनके साथ जो होने वाली है ना वो उन्हें वक्त बताएगा। अगर आपने हमें भी, अगर उनका ताल्लुक कहीं और से भी है तो आपको ये कहना चाहिए था इंडिया से भी है। उनका ताल्लुक इंडिया, मैंने यही कहा था भाई कि उनका ताल्लुक इंडिया से ही है। से ही है तो मतलब इंडियन है ना। बार बार मैंने कब कहा है? 62 ईयर्स। तो वक्त बताएगा भाई। संजय दत्त भी 62 हैं और अमिताभ भी हैं। ये लिखो थोड़ा सा ना, अमिताभ 62 नहीं है, 62 से ऊपर है ना, मतलब मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। नहीं, हम उसकी ब्रैकेट लगाएंगे ना। अमिताभ लिखो सबसे पहले नंबर पे,
अमिताभ, सेकंड नंबर पे लिखो संजय, धर्मेंद्र और क्या ये इंडिया का बहुत बड़ा टीवी शो भी होस्ट करते हैं? अच्छा, इन्होंने अमिताभ बच्चन के हवाले से पूछा है ना? नहीं नहीं, अमिताभ नहीं करेंगे। ओके अच्छा अच्छा, ये अमिताभ का इन्होंने नहीं, अमिताभ नहीं पूछा था, इन्होंने पूछा था शो करेक्टर में साथ शो होस्ट संजय दत्त है, हमने कहा कि नहीं है। इसके अलावा नवाजुद्दीन सदीकी नहीं है, वो 60 से ऊपर था। चेक करें नवाजुद्दीन सदीकी। अच्छा देखिए, इस तरह सबकी ना एज रिवाइज हो रही है, जो देखने वाले हैं ना उनको पता चल रहा है एजेस क्या चल रही है। हमें भी रिवाइज हो रही है, हमें भी हो रही है कि क्या एज है। ये नहीं है 60 प्लस, नवाजुद्दीन सदीकी कह रहा हूँ, सॉरी, वो जो दूसरा है जिसका भी इंडिया के साथ वो पिछले दिनों वायरल हुआ था, इशू भी आया हुआ था, सियासी इशू भी आया हुआ था, जिसका भी एक क्लिप भी वायरल हुआ था, जिसने इंटरव्यू दिया, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ओए यार शाह, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन शाह को जरा चेक करें, रख रख जरा उसको, वो तो ज़हन से ही निकल गया था, उसको चेक पार कर दे, पार कर दे। आई थिंक वो 60 प्लस है, वो तो है, वो तो 70 प्लस है, 60 प्लस है, वो तो है ना, वो तो उससे भी ऊपर है, वो 70 प्लस है। हाँ, वो निकाल दें, वो तो लिस्ट से 71 है, 71 नसीरुद्दीन शाह। क्या पिछले दिनों इनके ऊपर ये टीवी शो इंडिया रुक, 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 अभी नहीं कर, अभी नहीं कर इसको सवाल को। अच्छा। सिर्फ एक करेक्टर के ऊपर हम पूरा उसको कैसे निकालें? एक हमारे पास धर्मेंद्र है, अब यहाँ पे संजय दत्त है, तो धर्मेंद्र लड़ गया मुझे, धर्मेंद्र धर्मेंद्र नाम है, ओरिजिनल नाम ये, आप उसका नकली नाम ले, नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह भी लिखो। सर मुझे पूरा डाउट है कि नसीरुद्दीन शाह ये हाँ, इनको क्या इनके है ना, हमें देखो हमारा लेवल चेक करो तुम, इनके क्या इनको इसका सवाल बताओ, स्पेशली नवीद भाई सवाल बताओ। नसीरुद्दीन शाह मुसलमान है? हाँ, ये चीज करते हैं तो हिंदू मुसलमान में से निकल जाएंगे, मुसलमान है। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, आपको पहले पूछना चाहिए, तो आपने गलत टाइम पे पूछा, हम क्यों जवाब दें? पहले पूछना चाहिए मुसलमान है, ये तो हम लास्ट में देखो, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, मुझे क्या पता वो मुसलमान है नहीं, लेकिन कागजी एतबार से वो ही मुस्लिम, अब निकल गए सारे धर्मेंद्र, संजय दत्त भी गया। जतिंद्र, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया था, शादी करने के लिए किया था, शादी लॉ था। अच्छा जी, मुस्लिम है, अब मुस्लिम में नसीरुद्दीन शाह के बाद आपके जहन में कुछ 60 ईयर प्लस आता है यार, इसे इजी गेम, मजा आ रहा है। यस, मैंने आपको यही कहा था, जब आप खेलोगे ना तो आपको मजा आएगा। है भी सही कि नहीं? नहीं, इसमें क्या इशू वाली बात है, इंडिया के कैरेक्टर मुझे तो नहीं आते नाम बहुत ज्यादा उसके, तमिल हीरो यार अदाकार है, ये हमने फिल्म पूछा उनसे, हमने पूछा, क्लियर क्वेश्चन किया, एक्टर है, एक्टर तो है, एक्टर टीवी का भी तो हो सकता है, तो यार टीवी तो यार अभी आपने एक चीज मुश्किल से पार की है, उसके बारे में एग्जैक्ट क्वेश्चन करके उसे रूल आउट कर देना अगर ना हो तो। 10 सवाल आपके हो चुके हैं सर, नसीरुद्दीन शाह को क्लियर करें, 11 हो गए, तुम्हें तुम 11 सवाल ही नहीं रहे, 11 सवाल हो चुके हैं, और कोई जहन में है 60 प्लस? अनिल देखो ना, हिंदू तो सारे निकल गए, 60 प्लस फिर 60 प्लस, तो मुस्लिम में कोई शो के होस्ट भी नहीं है, तो नसीरुद्दीन शाह ने कोई बड़ा शो भी होस्ट नहीं किया हुआ, बात तो तेरी समझ आ रही है, इसकी ना क्या इन्होंने गालिब मूवी, गालिब में था ना नसीरुद्दीन शाह, क्या इन्होंने गालिब मूवी में एक्टिंग की हुई है? सर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुझे देखना पड़ेगा, एक गालिब मूवी बनी थी जिसमें नसीरुद्दीन शाह थे, सर ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, वैसे मेरा अंदेशा है कि नहीं है, लेकिन लेट मी कंफर्म प्लीज, सर बताएंगे, तुमने गलत सर, अफसोस के साथ जी कर रखा है बस। अब गालिब मूवी लिखो, मेरे चक्कर में शापस हो गया था, बड़ा अफसोस में था, मैं कह रहा था नहीं लिखो, गालिब में बंदा ही एक है, पूरी मूवी नसीरुद्दीन शाह पे, वो लाइट मैन नहीं हो सकता, लाइट मैन नहीं हो सकता, कैमरा मैन नहीं हो सकता, गालिब में बंदा ही एक है, हमने आपने क्या अदाकार, कैमरा मैन का क्या तल्लुक है वहां पे,
मेन कैरेक्टर क्या है? अच्छा जी, आपने नसीरुद्दीन से पूछा है जी, बिल्कुल सही। 12 सवालों में हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, और मेरा एक्सपीरियंस रहा मनान कि आप डायरेक्टली पहुंच जाते हो, ये बंदा बेमी है, घुमाता है घुमाता है घुमाता है घुमाता है, बहुत आप दिल पे करता है। मैं काफी देर से पूछना चाह रहा था डायरेक्ट के भाई गाइस का पूछ लूं। गाइस ये आज की हमारी कसौटी थी। दो सवाल जो इसने दिए है ना वो 50 प्लस 60 प्लस वाला और मुसलमान, ये लॉजिकल ब्रैकेट थे और इन्होंने बड़ा इजी किया। ये ब्रैकेट करना लगाना सीख लो तो दिस इज ऑल जनाब, दिस इज अबाउट कसौटी। इजाजत ले लीजिए, अब आप देखने वालों से अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, और हमें इसका फीडबैक दीजिए, हम इसे मजीद कैरी आउट करेंगे, आगे लेके जाएंगे, और उसके बदले में आपको साथ साथ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बिल्कुल, असल चीज वही है, असल चीज मेरे लिए भी वही होती है, और मेरे लिए भी यही हुई है कि मुझे आज जितने हमने नाम लिए सबकी एजेस रिवाइज हो गई, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह निगेबान।